दोस्तों आज मैं ये पीवीसी फिलिंग देख पा रहे हो आप, ये पीवीसी फिल है और ये कूलिंग टावर है और इसमें पीवीसी फिलिंग चेंज करेंगे। सारे बोल्ट हमने ग्राइंडर से कट किए हैं और आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कहीं कट नहीं लग जाए। और कूलिंग टावर का बेसिक काम होता है गर्म पानी को ठंडा करना। घर में आपका जो कूलर होता है वही सिस्टम होता है इसके अंदर पूरे ही। ये देख सकते हो यहाँ से हॉट वाटर लिखा हुआ है, इसमें हॉट वाटर इन होता है, ये हॉट वाटर का पाइप है। तो ये इन होके पानी यहाँ पे अंदर आता है और जैसे कि आप देख पा रहे हो ये घूमता है दोस्तों, यानी कि पानी की प्रेशर की मदद से ये घूमता है और इसमें ये पाइप से लगे रखते हैं। अभी हमने पाइप खोल दिए हैं तो ये छेद होते हैं दोस्तों, ये घूमता है और जिसकी मदद से ये चारों तरफ मतलब पानी बिखरता है। और ये पानी दोस्तों इन पीवीसी फिल के अंदर होते हुए नीचे गिरता है और नीचे से हवा जो फैन होता है वो फैन देख पा रहे हो आप, ये हवा यहाँ से ऊपर खींचता है, यानी कि पूरे कूलर का जो आपके घर में कूलर होता है वही सिस्टम इसके अंदर होता है। पानी और हवा का दोनों का क्रॉस होता है दोस्तों, यानी कि पानी ऊपर से गिरता है और वो फैन जो हवा ऊपर खींचता है, तो इसी कारण दोस्तों वाष्पीकरण होता है जिसके कारण पानी ये ठंडा होता है और ठंडा पानी इसके अंदर गिरता है और उसके बाद ये मोटर लगी हुई है और ठंडा पानी ये खींच के प्लांट्स के अंदर भेजती है मोटर, और उसके बाद फिर से वो पानी गर्म हो जाता है और गर्म पानी फिर से इसके अंदर आता है और फिर से अंदर फवारा की मदद से अंदर पानी गिरता है और वापिस ठंडा होता है। तो दोस्तों ये सर्कुलेशन ऐसे होता रहता है और काफी बार ऐसे होने के कारण ये पानी में डस्ट वगैरह मिट्टी और हार्डनेस जो होती है पानी की वो जम जाती है। तो साल भर में दो साल में इसको चेक करना होता है। पीवीसी फिल को चेंज भी कर सकते हो आप, सफाई भी कर सकते हो और आपके सुविधा अनुसार अगर ज्यादा खराब हो चुकी है तो आपको चेंज करना होगा, तो मैं फिलहाल चेंज ही करूंगा। ये इतना जाम होता नहीं है, अंदर डस्ट और हार्डनेस की वजह से ये पीवीसी मतलब अंदर जाम हो चुकी है और सारे इसके जो छेद होते हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं, उस कारण मतलब पानी और हवा का दोनों संपर्क सही से नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों देख सकते हो ये पीवीसी यहाँ से हट चुकी है बिल्कुल ही, और ये जाली हमने देख सकते हो यहाँ पे खोल के इधर रखी हुई है, अब फिर से जाली लगाएंगे, साफ सफाई करनी होगी अभी। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप, फाइनली हमने पीवीसी को हटा के बड़े से साफ सफाई कर दी है और ये नया पीवीसी दोस्तों पड़ा हुआ है, हम इसके अंदर फिटिंग करेंगे और वीडियो पे बने रहिए, हम इसको पूरे चालू करके आपको कम्प्लीट ही पूरा प्रोसेस बताऊंगा। फ्रेंड्स ये पीवीसी फिल न तो सड़ती है न गलती है क्योंकि ये प्लास्टिक है, तो इसको हम एक जगह ऐसे जगह डाल के इसको जला देंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये पीवीसी फिल को कटिंग करके फिटिंग करना है, जहाँ पे गोलाई है तो गोले के हिसाब से कट कर लेना है। आप करोती जो होती है जो लकड़ी काटने की होती है वो ले सकते हो, आप अगर आरी पत्ता होता है जो लोहा काटने का होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो इस तरह आपको फिटिंग करना है और जहाँ पे पाइप आ रहा है वहाँ पे पाइप की साइज की कटिंग कर लेना है। और अब दोस्तों इस पार्ट को फिटिंग कर रहे हैं क्योंकि जो बाहर की है वो गोले ही वो एडजस्ट नहीं हो पाएगी, तो हम फिटिंग करके ऊपर से ही इसको पीवीसी को फिल को कंप्लीट करेंगे। तो जहाँ पर भी जो भाग रहता है वहाँ पर कटिंग करके हम अंदर सेट कर देंगे। तो अभी फिट करके आपको बताते हैं अंदर किस तरह हमने सेटअप बनाया है। तो देखिए दोस्तों कम्प्लीट ही हमने कर दिया है, देख सकते हो जहाँ पे जो गैप रहती है वहाँ पे आपको सही से कटिंग करके पीवीसी फिल को वहाँ पे ऐड करना है दोस्तों। और उसके बाद हमने ये पाइप लगाए हैं दोस्तों, पाइप के इनको आपको इस तरह लगाना है, ये जो छेद है एक तरफ रखना है, एक तरफ ही रखना है, इससे क्या होगा ये प्रेशर की मदद से जैसे इसमें पानी इन होगा वो प्रेशर की मदद से ये घूमेगा दोस्तों, मूविंग करेगा।
तो अभी चालू करते हैं, इसका परफॉर्मेंस बताते हैं आपको किस तरह यह वर्किंग करता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कूलिंग टावर को चालू कर दिया है मैंने, और देखिए आप कितनी बढ़िया तरीके से, जैसे एक झरने की तरह से आप ये बढ़िया से वर्किंग कर रहा है, जैसे झरने ही समझ लो आप। तो बहुत ही बढ़िया ये दोस्तों वर्किंग कर रहा है। और अभी मैं ऊपर चढ़ के बताऊं दोस्तों, ऊपर जो पानी है वो स्प्रे किस तरह हो रहा है। देख सकते हो दोस्तों ये पानी के प्रेशर की मदद से ये पाइपें घूम रही है और चारों तरफ देखिए पानी स्प्रे हो रहा है और ये फैन चल रहा है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।